हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बना रहे हैं मकई पोहा का चिवड़ा। इसके लिए मैंने एक पैन में तेल गरम किया है। तेल गरम होने के बाद उसमें पोहा डालना है। पोहा थोड़ा थोड़ा डालना है। एक साथ में आप ज़्यादा पोहा डालेंगे तो तेल उसमें ज़्यादा रहेगा तो पोहा अच्छा नहीं बनेगा। थोड़ा थोड़ा डाल के ही उसको फ्राई करना है। और इस तरह के बड़े होल वाला जरा रहता है उसके अंदर डाल के हमें निकालना है ताकि तेल ना रहे उसमें। देखिए इस तरह से। अब मैं मूंगफली के दाने हैं वो उसमें फ्राई करूँगी। उसका भी थोड़ा कलर चेंज हो जाए उतना ही फ्राई करना है। अब उसको पोहा में डाल देना है। सब साथ में ही हम लोग मसाला डालेंगे। अब मैंने कोकोनट था उसकी स्लाइस करके डाली है इस तरह से, वो भी फ्राई करके हमें पोहा में डाल रही हूँ। अब मैं डालने वाली हूँ दालिया, जो चने की दाल का भुना हुआ रहता है वो मैंने डाला है। अब मैं उसमें काजू डालूँगी। काजू और ये कोकोनट सब आपको जितना डालना है आप उतना डाल सकते हो। आप अपने हिसाब से उसमें ज़्यादा कम कर सकते हो या स्किप भी कर सकते हो। अब मैंने किशमिश डाली है। किशमिश मैंने दो तरह की डाली है। ये पोहा इतना टेस्टी बनता है, बाजार के जैसा ही बनता है। अब मैंने उसमें कड़ी पत्ता डाला है। कड़ी पत्ता को भी अच्छे से फ्राई करना है। देखिए इस तरह से सब इंग्रेडिएंट्स डालने हैं। अब उसमें हम लोग मसाला करेंगे। मसाले में मैंने मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, चाट मसाला, पिसी हुई चीनी और नमक लिया है, थोड़ी हींग ली थी। सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद जब पोहा गर्म है और सब इंग्रेडिएंट्स गर्म है तभी ही उसके अंदर डालना है। और अच्छे से इस तरह से हाथों से ही मिक्स करना है ताकि जो हमारा पोहा है वो टूट ना जाए। देखिए इस तरह से उसको उछाल उछाल के ही मसाला मिक्स करना है। मसाला आप अपने हिसाब से ज़्यादा स्पाइसी या खट्टा मीठा करना है उस हिसाब से आप डाल सकते हो। देखिए कितना बाजार जैसा ही बना है ना, तो आप भी बनाकर ज़रूर देखिएगा। आप इसके अलावा कौन से चिवड़ा बनाते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।